स्टूडेंट्स, आप सभी का पॉलीमर के लेक्चर नंबर 3 में स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एडिशन पॉलीमर बनाने की विधियों को सीखेंगे, तो पूरे जोश और ऊर्जा के साथ कॉपी पेन लेके आप तैयार हो जाएं इसे सीखने के लिए। देखिए, इससे दो तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछेगा कि पॉलीमर का नाम देगा और उसके मोनोमर्स का नाम पूछेगा कि बताइए फलाना पॉलीमर के मोनोमर्स कौन कौन होते हैं, या क्या करता है कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर दे देता है और आपसे पूछता है कि इस पॉलीमर का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, और इससे इसके यूजेज से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। एडिशन पॉलीमर का मतलब हो गया कि हम लोग ऐसे पॉलीमर को बनाने की विधि देखेंगे जिससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का विलोपन नहीं होगा और जो मोनोमर्स होंगे प्रायः अनसैचुरेटेड होंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला शुरू करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पैन, पी ए एन। पी फॉर होता है पॉली, पॉली। ए फॉर होता है एकराइलो, एकराइलो। एन फॉर होता है नाइट्राइल, पॉली एकराइलो नाइट्राइल। इसको पैन के नाम से जानते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण फाइबर ओरलॉन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, या इसी के द्वारा ओरलॉन फाइबर हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम ओरलॉन भी होता है। इसी को हम लोग एक्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो समटाइम्स इसको हम लोग ओरलॉन भी कहते हैं और इसे एक्री लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह बनता कैसे। तो देखिए, यह इसके नाम में ही एकराइलो नाइट्राइल आ गया, और आपको पता है एकराइलो नाइट्राइल किसको कहते हैं, विनाइल सायनाइड को। विनाइल सायनाइड को ही हम लोग एकराइलो नाइट्राइल कहते हैं, और इसी का यह क्या है, एडिशन पॉलीमर होता है। और जितने भी एडिशन पॉलीमर्स होते हैं जिसको एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, प्रायः वे परऑक्साइड के उपस्थिति में हाई टेंपरेचर प्रेशर पे इस क्रिया को कराई जाती है। मतलब कि ऐसे पॉलीमर को हमेशा बनाने के लिए परऑक्साइड के उत्प्रेरक के उपस्थिति में ही यह रिजेक्शन कराई जाती है और हाई टेंपरेचर प्रेशर की आवश्यकता होती है। आप भूल जाएं एग्जाम में कि कौन सा हम कैटलिस्ट यूज करें, तो आप केवल पॉलीमराइजेशन लिख दीजिएगा, काम चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो विनाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर सबको पता है, यही विनाइल साइनाइड है, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं विनाइल साइनाइड, विनाइल सायनाइड, विनाइल सायनाइड। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लेते हैं, एन मॉलिक्यूल, एन अणु, ध्यान दीजिएगा। और इसको क्या कह सकते हैं, उत्प्रेरक लेते हैं पर ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन होती है, यहां लिख देते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो इसके बहुत सारे अणु क्या होंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। तो आपको बताए थे कि यदि डबल बॉन्ड आए तो डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है और ऐसे ही रिपीटिंग यूनिट को जोड़ देना। देखो यहां CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, नीचे CN हो जाएगा, इसका होल N कर दीजिएगा। इसी को हम लोग कहेंगे पैन, पॉली एकराइलो नाइट्राइल। या कोई पूछे कि क्यों इसको पैन कहते हैं, क्योंकि यह एकराइलो नाइट्राइल का बहुलक होता है। क्लियर है, बहुत सारे एकराइलो नाइट्राइल के यूनिट इसमें जुड़े होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा पॉली एकराइलो नाइट्राइल। अब प्रश्न उठता है कि इसका यूज कहां होता है। देखिए, यह बहुत हार्ड होता है और यह एक प्रकार का फाइबर जो है ओरलॉन, इसी को एक्रिलाइन कहते हैं, जो ऊल के जगह पर, ऊल के विकल्प के जगह पर यूज होता है, उसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला बात याद रखिएगा, ये हार्ड होता है तथा इसका एमपी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, याद रखिएगा। दूसरी, इसका यूज कहां होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, कारपेट्स, ईटीसी के निर्माण में, ईटीसी के निर्माण में। बात आप समझ चुके हैं, या आप कह सकते हैं कि ओरलॉन या एक्रिलाइन फाइबर्स जो होते हैं उसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा ब्लैंकेट्स, जिसको हम लोग कंबल कहते हैं, स्वेटर्स, कारपेट्स आदि का निर्माण किया जाता है।
नोट करें, दूसरे पॉलीमर को बता रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पॉलीमर के लेक्चर नंबर 3 में स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण एडिशन पॉलीमर बनाने की विधियों को सीखेंगे, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए पूरे जोश के साथ, इसे पढ़ के समाप्त करें और छोटी छोटी बातों को समझते चलिएगा। देखिए, इससे एक दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पॉलीमर्स के मोनोमर्स कौन है, तो मोनोमर्स तो मोटा मोटी हम लोग को याद है, तो आपको देखते चलिएगा कि ये पॉलीमर के मोनोमर्स कौन है। और कभी कभी क्या करता है कि पॉलीमर का नाम देता और कहता है कि इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सही है, तो मोनोमर्स को सटा देना है और उसका होल एन लिख देना है, वही उसका करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। और इसके यूजेस से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एडिशन पॉलीमर्स बनाने की विधियों को। एडिशन पॉलीमर क्या है बताया जा चुका है कि सर्वैसा पॉलीमर होता है जिससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का इलिमिनेशन विलोपन नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे पॉलीमर के निर्माण करने वाले मोनोमर्स जनरली अनसेचुरेटेड होते हैं। तो हम लोग इसके अंतर्गत पहला पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीमर है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पैन के नाम से जानते हैं। P फॉर होता है पॉली, A फॉर होता है एकराइलो और N फॉर होता है नाइट्राइल। पॉली एकराइलो नाइट्राइल, और एकराइलो नाइट्राइल किसको कहते हैं आपको पता है, विनाइल साइनाइड को। विनाइल साया नाइट को ही एकराइलो नाइट्राइल कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह विनाइल साइनाइड का एडिशन पॉलीमर होगा, ठीक है। यह कह सकते हैं विनाइल साइनाइड का होमो पॉलीमर होगा, क्योंकि ऐसे पॉलीमर जो होते हैं एक ही प्रकार के मोनोमर्स से भाग एक ही प्रकार के मोनोमर्स के संयोग से बनते हैं, तो इसे होमो पॉलीमर भी कह सकते हैं। और इसके निर्माण में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का इलिमिनेशन नहीं होता, इसलिए इसको एडिशन पॉलीमर कह सकते हैं। और एडिशन पॉलीमर को बनाने की विधि को हम लोग कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण फाइबर होता है ओरलॉन, या उसको एक्रिलेट के नाम से भी जानते हैं। उसके मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक यही प्रयोग होता है, याद रखिएगा, जो ऊन के विकल्प के तौर पे, ऊल के विकल्प के तौर पे यूज होता है, इसलिए इसको ओरलॉन या एक्रिलेन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि पैन का दूसरा नाम होता है ओरलॉन, ठीक है, या इसको एक्रिलेन के नाम से भी जानते हैं, या एक फाइबर है, याद रखिएगा। तो देखो कैसे बनता है, विनाइल साइनाइड की फॉर्मूला तुम जानते हो, विनाइल साइनाइड की फॉर्मूला सबको पता है, यही है विनाइल साइनाइड, विनाइल सायानाइड, विनाइल सायानाइड, विनाइल सायानाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं एकराइलो नाइट्राइल, याद रखिएगा। और देखिए ध्यान से, एडिशन पॉलीमर जितने भी होते हैं प्रायः वह उत्प्रेरक के उपस्थिति, खासकर परोक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ही बनाए जाते हैं। यदि एग्जाम में आप भूल जाए कि कैसे बनेगा, तो आप केवल पॉलीमराइजेशन लिख दीजिएगा, क्लियर। आप यहां लिख देते हैं परोक्साइड, परोक्साइड के बारे में आपको बताया जा चुका है, ऑर्गेनिक परोक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक परोक्साइड क्या है, परोक्साइड लिंकेज के बारे में जानकारी दिया गया है, परोक्साइड। और नीचे लिख दीजिएगा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर ऐसा पे रिएक्शन कराई जाती है। हम इसके एन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो देखिए क्या है, इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ के पैन का निर्माण करे। और आपको बताया था कि यदि मोनोमर्स में डबल बॉन्ड आए तो डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जैसे वहां आ रहा है ज्यों का त्यों, जैसे आया है वैसे यहां लिख देना है। देखो कैसे लिखेंगे, यहां CH2 है, यहां डबल बॉन्ड टूट गया तो CH है, यहां देखो CN है। कार्बन की वैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए वैकेंट वैलेंसी को दिखाओ, यहां वैकेंट वैलेंसी को दिखाओ, होल एन कर दो, कितना आसान है, बन गया पैन, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। याद रखिएगा कि यह हार्ड होता है और यह इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला एक मटेरियल है, तो याद रखिएगा कि यह हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग जो होता है, महत्वपूर्ण फाइबर जो होता है ओरलॉन एक्रिलेन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, और जिसका प्रयोग ऊल के विकल्प में हम लोग यूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे भाई, इसका प्रयोग
ब्लैंकेट्स बनाने में, जब भी जाड़े का दिन चल रहा है, स्वेटर्स, कारपेट्स, जिसको दरी कालीन कहते हो, ईटीसी के निर्माण में किया जाता है, निर्माण में किया जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए आप ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि यह विनाइल साइनाइड का बहुलक है, और विनाइल साइनाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो बनता है पैन। तो यह किसका बहुलक है, कोई पूछे कि पैन, तो कहिएगा विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलक होता है। कैसा बहुलक है, तो कहिएगा सर यह होमोपॉलीमर है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के मोनोमर्स से भाग लेके बन रहा है, या एक ही प्रकार के मोनोमर्स के संयोग से बना है। कोई पूछे कि क्या यह एडिशन पॉलीमर है, कहेगा हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के मोनोमर्स से बन रहा है, और इसके मोनोमर्स कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हैं, और इसके निर्माण होने से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का विलोपन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम एडिशन पॉलीमर कह रहे हैं, न कि इसे कंडेंसेशन पॉलीमर के नाम से जानेंगे। स्पष्ट है, नोट करें, दूसरा बता रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉलीमर को हम लोग देखेंगे जिसको पीवीसी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीवीसी। पी फॉर होता है पॉली, वी फॉर होता है विनाइल, और सी फॉर होता है क्लोराइड। तो यहां नाम से ही स्पष्ट है कि यह विनाइल क्लोराइड का एडिशन पॉलीमर होता है, याद रखिएगा। किसका ही, यह विनाइल क्लोराइड का एडिशन पॉलीमर होता है। विनाइल क्लोराइड का क्या होता है, यह एडिशन पॉलीमर होता है। तो विनाइल क्लोराइड को सटा दो, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला सबको पता है, यही विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड। इसका पॉलीमेराइजेशन कराओगे तो क्या होगा, इसके बहुत सारे अणु जुड़ के पीवीसी बना लेंगे। देखो क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, ज्यों का त्यों जैसे है वैसे लाके रखो, होल एन लिखो। यहां देखो बच गया CH2, यहां CH, यहां CL। एक ऐसा और यूनिट जोड़ सकते हो, होल एन कर देना है, कितना आसान, बोलो कोई दिक्कत। इसी को कहते हैं पीवीसी। आजकल इसका धड़ल्ले से प्रयोग याद रखिएगा, चापाकल का पाइप जो देख रहे हैं, प्लास्टिक वाला जो हम लोग बहुत सस्ते दर में आज चापाकल हलवा के पानी पी रहे हैं, तो वाटर पाइप्स के निर्माण में इसका सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। इलेक्ट्रिक की जो वायरिंग हम लोग घर में कराते हैं, वायरिंग वाली पाइप, छत में ढलाई जो हो रहा है, पाइप देख रहे हो कि ठेकेदार साहब डाल देते हैं, पाइप हम लोग खरीद के लाते हैं उजले कलर का, ठीक है, तो वह वायरिंग की पाइप बनाने में इसका सबसे अधिक प्रयोग है, याद रखिएगा। तो इसका प्रयोग वाटर पाइप्स, वायरिंग पाइप्स के निर्माण में इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। आज देख रहे हो कि गेहूं के सीजन में पटवन चल रहा है गांव देहात में, पूरी मशीन की पाइप यहां से लेकर 3 किलोमीटर दूर तक बिछा दे रहा है, ठीक है, वाटर वाली पाइप, वह भी बनता है हमारे पीवीसी से। रेनकोट्स, ठीक है, बरसात में जो तुम पहनते हो वर्षा से बचने के लिए कोट्स, उसके भी निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें प्लास्टिसाइजर्स को मिला दिया जाता है और यह मुलायम हो जाता है और उसकी कोट चढ़ा दी जाती है। हैंड्स बैग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ठीक है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, सीडी का, डीवीडी का कैसेट देखे हो ना, लगता है कचकरा प्लास्टिक का बना है, तो उसको भी निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन के कैबिनेट जो होता है उसकी बड़ी, टीवी रेडियो के बॉडी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आजकल इसका प्रयोग आर्टिफिशियल फ्लोरिंग, जमीन पे फ्लोर, आर्टिफिशियल फ्लोरिंग के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण इसके प्रयोग हैं वायरिंग पाइप्स, वाटर पाइप्स आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण प्लास्टिक का किस्म है पीवीसी, नोट करें। और ये किसका बहुलक होता है, विनाइल क्लोराइड का, ठीक है, और विनाइल क्लोराइड जिसके बहुत सारे जब अणु जुड़ते हैं तो बनता है पीवीसी। क्लियर, नोट करें। आइए हम लोग तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीमर को देखेंगे जिसको हम लोग पॉलीएस्टायरीन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्टायरोफोम, या इसी को स्टायरोन के भी नाम से कभी कभार जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्टायरीन का
बहुलक होगा, मतलब यह स्टायरीन का एडिशन पॉलीमर होगा। तो स्टायरीन की फॉर्मूला सबको पता है, यही एस्टायरीन है, आपको पता है CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को फिनाइल इथीन या विनाइल बेंजीन के नाम से जानते हैं, एस्टायरीन कहते हैं। और इसके बहुत सारे जब अणु को हम लोग पॉलीमेराइज कर दें तो क्या होंगे, हमारा पॉली एस्टायरीन बनता है। देखिए कैसे यह डबल बॉन्ड अब क्या होगा, ब्रेक करेगा। देखो कैसे इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी खाली होल एंड होल, इसी को कहते हैं पॉली एस्टायरीन। इसी को एस्टायरोफोम फोम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या इसी को एस्टायरोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए इसका यूज कहां करते हैं, आजकल देखिए शादी समारोह जितना तुम अटेंड किए हो उसमें देखना कि ग्लास कॉफी वाला आता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास पानी पीने वाला आता है, सब यह स्टायरीन से बना होता है, हॉट ड्रिंकिंग कप, ठीक है, जितने भी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लास्टिक के तुम देख रहे हो स्टायरीन से बना होता है, ठीक है, दूध पिलाई बच्चा सबको देखते हो स्टायरीन से बना होता है, खिलौना कंघी रेडियो टीवी के बॉडीज जिसका कैबिनेट जिसको कहते हो, तथा कुछ हाउस होल्ड आइटम्स घरेलू आइटम्स स्टायरीन से बना होता है। तो केवल आपको याद रखना है कि पॉली स्टायरीन किसका बहुलक होता है, स्टायरीन का, और यह कैसा पॉलीमर है, तो एडिशन पॉलीमर। पूछ सकता है कि क्या स्टायरीन एक को पॉलीमर है या होमो पॉलीमर, तो आपको कहना है कि सर यह होमो पॉलीमर होगा क्योंकि एक ही प्रकार के मोनोमर से भाग ले रहा है। तो स्टायरीन की स्ट्रक्चर आपको पता है, और कोई पूछे पॉली स्टायरीन के स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड को ब्रेक करना है और जैसा यूनिट प्राप्त होता है वैसे लिख के होल एंड कर देना है। किसी को एतराज समस्या नोट करें। चौथा पॉलीमर है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पॉलीप्रोपाइलीन या इसी को हम लोग पॉलीप्रोपीन के नाम से जानते हैं, और इसको पीपी शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलीन। तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह प्रोपाइलीन या प्रोपीन का बहुलक होता है, ठीक है, किसका बहुलक होता है, यह प्रोपीन या प्रोपाइलीन का बहुलक होता है। तो प्रोपीन जानते ही हो, प्रोपीन मतलब प्रोप वन इन, तो क्या हम प्रोप वन इन को ऐसे बना दे, तो किसी बाबू को एतराज है क्या, CH3 डबल बॉन्ड CH2 इसी का नाम है 1, 2, 3, इसी को हम कहते हैं प्रोपीन, या इसी का कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइलीन या अल्फा प्रोपाइलीन। इसके बहुत सारे अणु को हम पॉलीमेराइज करा दें, ध्यान दीजिएगा पॉलीमेराइजेशन करा दें। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में पॉलीप्रोपाइलीन के। देखिए यहां से ये कार्बन की ये वैलेंसी वैकेंट होगी, यहां से ये वैलेंसी वैकेंट होगी CH, और यहां हो जाएगा CH2, और नीचे हो जाएगा CH3 का होल एंड होल, इसी को कहेंगे पॉलीप्रोपाइलीन। याद रखिएगा ये हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है पॉलीथीन से, भी बात याद रखना है कि हार्ड होता है, ऐसे लिखिए हिंदी में लिख लीजिए इसको कि यह पॉलीथीन के तुलना में, याद रखिएगा, हार्ड तथा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की प्लास्टिक की किस्म है, इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, टेक्सटाइल तथा फूड पैकिंग में, ठीक है, कपड़ा आता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा आदि को पैक करने के लिए फूड पैकिंग में इसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रॉन्गर पाइप्स मजबूत पाइप्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बोतल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, रोप्स रस्सी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, लाइनिंग मटेरियल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, टीवी रेफ्रिजरेटर आदि के
कैबिनेट आदि बनाने में। तो याद रखेंगे इसका प्रयोग लाइनिंग मटेरियल के रूप में भी किया जाता है। तो यूजेस से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखेंगे यह पॉलीथीन के तुलना में कठोर होते हैं और पॉलीथीन के तुलना में मजबूत होते हैं। कोई पूछे यह किसका बहुलक होता है, तो यह पॉलीप्रोपाइलीन जो प्रोपीन या प्रोपाइलीन का बहुलक होता है। नाम से ही इसके मोनोमर्स स्पष्ट हैं, तो ऐसे पॉलीमर को रटने की जरूरत नहीं है। इसके संरचना को एक बार देख लेना है आपको कि कैसे होता है। बहुत सारे लोग संरचना बनाने में गड़बड़ कर देते हैं, नोट करें। तो आइए हम लोग पांचवे पॉलीमर को देखते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में धड़ल्ले से यूज करते हैं। पॉलीथीन का तो नाम सब लोग सुने होंगे, बाजार जा रहे हैं तो सब्जी कह रहे हैं कि तनी दो पॉलीथीन में, अरे तनी चाइनीज पॉलीथीन में दो कह रहा है, ठीक है चाइनीज पॉलीथीन मांग रहा है। कह रहा तनी थोड़ा सा मोटका पॉलीथीन में दो, अरे भाई मोटका पतरका पॉलीथीन नहीं होता भाई, पॉलीथीन दो ही बरबर में बांटा गया है। एक को कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक को कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों चाइनीज पॉलीथीन मांगता है ना, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, वो जल्दी फटता नहीं है, लचकदार होता है, बहुत मजबूत होता है। वो जो पॉलीथीन देखते हो आलू रखा 2 kg उसका पेन ही फट गया, वो है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो चलो दोनों को हम लोग देखते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, दोनों में अंतर क्या, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों इथीन का ही बहुलक होता है, दोनों के डेंसिटी में अंतर होता है, दोनों के मोनोमर्स के सजावट में अंतर होता है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में अंतर होता है, तो उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे LDPE या इसी को कहते हैं LDPE, इसका नाम होता है लो डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, L फॉर होता है लो, D फॉर होता है डेंसिटी और P फॉर होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन या इसी को कहेंगे लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। और आप जानते हो कि इथीन का ही कॉमन नेम जो होता है इथाइलिन होता है। आपको यह भी बताया गया कि कच्चे फलों में हार्मोन्स के रूप में पाया जाता है जो कच्चे फलों को पकाने का काम करता है। तो देखिए लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है यह भी इथीन का ही बहुलक होता है, बनाने की प्रक्रिया कुछ अलग है। और दूसरी चीज इसकी डेंसिटी जो होता है 0.92 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन का जो डेंसिटी होता है इससे अधिक होता है 0.97 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, याद रखिएगा ब्रांच चेन, इसके मोनोमर्स जो होते हैं ब्रांच चेन में व्यवस्थित होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 384 केल्विन, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन के मोनोमर्स जो होते हैं रेगुलर पैटर्न में लीनियर चेन में व्यवस्थित होते हैं और काफी क्लोज पैक्ड होते हैं, जिसके कारण उसकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक होती है और डेंसिटी अधिक होती है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट 403 केल्विन और इसका 384, उसका डेंसिटी 0.97 ग्राम पर सीएम क्यूब और इसका डेंसिटी 0.92 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है, ठीक है। दोनों ही केमिकली इनर्ट होते हैं, तो इसकी डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट और मोनोमर्स यूनिट होते हैं, जो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं उनकी सजावट में ही अंतर होती है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा इसको बनाते कैसे, ये इथीन का ही बहुलक है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये इथीन का बहुलक है। देखो तो इथीन इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को इथीन कहते हो या इसी का कॉमन नेम होता है इथाइलिन। इसके बहुत सारे हम अणु ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 350 से 570 केल्विन तापमान पे 1000 से लेके 2000 एटीएम के बीच में दाब को रखते हैं और अल्प मात्रा में ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड के उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराई जाती है, तो होता क्या है डबल बॉन्ड ब्रेक जैसा का तैसा आ जाएगा। देखो यहाँ क्या बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल एन होल एन, इसी को कहेंगे हम लोग LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पर ऑक्साइड के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर प्रेशर आप भूल गए तो आप लिख सकते हैं पॉलीमराइजेशन। केवल आपको ये याद रखना है कि ये इथीन का बहुलक होता है और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं CH2 CH2, एक बार और ऐसे यूनिट को रिपीट करो CH2 CH2 का होल एन होल एन, आपकी मर्जी है ऐसे आप बना सकते हो। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देख लें कि यह केमिकली इनर्ट होता है, इस पर किसी भी केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आप जानते ही हैं।
डेंसिटी इसका याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी इसका डेंसिटी जो होता है हाई डेंसिटी पॉलीथिन के तुलना में कम होता है, और कितना होता है 0.92 ग्राम पर सीएम क्यूब। इसके मोनोमर्स जो होते हैं ब्रांच चेन में होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ब्रांच चेन में होते हैं ठीक है, और रेगुलर क्लोज पैक्ड नहीं होते हैं, जिसके कारण इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के यह पुअर कंडक्टर होता है, यूं कहेंगे कि यह इलेक्ट्रिसिटी इससे कंडक्ट नहीं करता है, इसको इससे विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। इसका यूज हम लोग कहते हैं पैकिंग मटेरियल्स के रूप में, इसका प्रयोग बैग्स थैला बनाने में, खिलौना बनाने में, फ्लेक्सिबल पाइप्स लचकदार पाइप बनाने में हम लोग करते हैं। तो इसे नोट करें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आओ हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनाते हैं उसको सीखें, जिसको तुम चाइनीज पॉलीथीन कहते हो ठीक है। आओ सिक्स नंबर, इसी को हम लोग HDPE या HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, H फॉर का होता क्या होता है हाई, नाम से ही स्पष्ट है, D फॉर होता है डेंसिटी, डेंसिटी, अब बेटा P फॉर होता है पॉलीथीन, पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन, या इसी का नाम क्या हो जाएगा हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन कहेंगे इसको। कोई किताब में HDPE लिख दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से ही स्पष्ट है कि यह इथीन का बहुलक होगा, इथीन का पॉलीमर होगा। बनाने की प्रोसेस में थोड़ी सी अंतर है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाती है, इथीन का ही बहुलक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इथीन के बहुत सारे अणु हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग 335 से 345 केल्विन ताप पे और 6 से 7 एटीएम वायुमंडलीय दाब पे इस रिएक्शन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्प्रेरक जिगलर नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कराते हैं, ध्यान दीजिएगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर एक जर्मनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और नाटा जो है इटली के साइंटिस्ट थे, दोनों के संयोग, दोनों ने ही इस उत्प्रेरक का खोज किया, जिसकी एवज में उन्हें 1963 में संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया। तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा रहे होंगे वहां भी बताए थे कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl का होल 4 तथा ट्राईथाइल एल्यूमिनियम C2H5 का होल 3Al के मिश्रण को ही हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, उसको मैं नीचे बता रहा हूं, देखो यह पॉलीमराइज करेगा, भूल जाए तो जरूर लिख सकते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट के उपस्थिति में HDPE बनता है, याद रखें, और नीचे लिख सकते हैं पॉलीमराइजेशन, टेम्परेचर प्रेशर याद रखने की जरूरत नहीं है विशेष, ठीक है, आपको केवल लिख देंगे पॉलीमराइजेशन, लेकिन पॉलीमराइजेशन की क्रिया उत्प्रेरक जिगलर नाटा कैटलिस्ट के उपस्थिति में होती है, ठीक है, वे परऑक्साइड के उपस्थिति में या अल्प ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जोड़ देते हैं CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन की वैलेंसी खाली, होल N, इसी को कहते हैं HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसकी इसके अंदर जो यह मोनोमर्स दिखाई दे रहे हैं इथीन, यह किसका बहुलक होता है इथीन का, या इसी को हम लोग कहते हैं इथाइलिन। आपको बताया गया होगा कि कच्चे फलों में हार्मोन्स के रूप में यह पाया जाता है, जो कच्चे फलों को पकाने का काम करता है। तो इसमें HDPE में जो ये इथीन होते हैं लीनियर चेन के रूप में सिस्टमेटिक बिल्कुल क्लोज पैक्ड जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसकी डेंसिटी और जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है। यह HDLDPE के तुलना में, लो डेंसिटी पॉलीथीन के तुलना में ज्यादा लचकदार होता है, मजबूत होता है। इसी को हम लोग चाइनीज पॉलीथीन का रखते हैं, चाइनीज पॉलीथीन में 2 kg आलू दे दीजिएगा, 5 किलो प्याज दे दीजिएगा, वो भी देता है 5 kg 6 kg, टांग के एकदम आते हैं हम लोग, ठीक है। और याद रखिएगा जितने भी पॉलीथीन तुम पढ़ रहे हो यह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसलिए गवर्नमेंट इस पर रोक लगा रही है कि कम से कम कोशिश कीजिए कि आप थैला लेके जाए, कपड़ा का थैला यूज करें, कागज यूज करें, उसका कोई भी पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में नोट लिख लीजिए, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है,
और इसको पढ़ के जाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे, जेड आई जी एल आर जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ठीक है। जेड जी फॉर जर्मनी याद रखे, एन फॉर ठीक है जर्मनी, बुलाइए जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिगलर नाटा थे इटली के। क्या बताया भाई, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, इथाइल का फॉर्मूला C2H5 का होल 3 Al लिख दें। इसी के जगह पर यदि हम लिख दें CH3CH2 तो भी घबराना नहीं है, इसी के जगह पर कोई ET का होल 3 Al लिख दे तो भी आपको तो घबराना नहीं है। ET फॉर इथाइल या C2H5 में भी इथाइल होता है, इसी को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। और 1963 में संयुक्त रूप से दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया था इस महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की खोज में, जिसका प्रयोग पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा महत्व है। नोट करें इसे, देखिए ये भी एलडीपी के ही तरह केमिकली इनर्ट होता है, केमिकल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी डेंसिटी उसके तुलना में अधिक हो जाती है क्योंकि इसके मोनोमेरिक यूनिट जो होते हैं लीनियर चेन में जुड़े होते हैं, और इसका डेंसिटी 0.97 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 403 केल्विन होता है, इसके मोनोमर्स याद रखिएगा लीनियर चेन में व्यवस्थित होते हैं, यह एलडीपी के तुलना में मजबूत लचकदार दृढ़ होता है, इसका प्रयोग बाल्टी बनाने में, डस्टबिन कूड़ादान बनाने में, आप देख रहे हो डस्टबिन शहर में आ रहे हो तो देख रहे हो डस्टबिन, ठीक है, कूड़ादान घर में भी आप डस्टबिन यूज करते हो, डस्टबिन बनाने में, टब बनाने में, टब मन होता है नाद, बाल्टा बाल्टी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, टॉय माने खिलौना होता है, बोतल आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें तुम पानी पीते हो। नोट करो टेफ्लॉन के बारे में बता रहे हैं, आइए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीमर को देखते हैं जिसको टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, इससे कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसी को हम लोग टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा ही प्लास्टिक का एक किस्म है टेफ्लॉन, या इसी को कहते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, पी फॉर होता है पॉली टेट्रा एफ एल ओ पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन पी टी एफ ई, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, नाम से ही स्पष्ट है कि यह टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक होगा और कैसा पॉलीमर होगा, एडिशन पॉलीमर होगा, और यह एक प्रकार का होमोपॉलीमर है क्योंकि एक ही प्रकार के मोनोमर से भाग लेता है। कोई पूछे कि नोट्स लिखो टेफ्लॉन पे, तो आप कहिएगा कि यह टेट्राफ्लोरोइथीन का एडिशन पॉलीमर होता है, और रिजेक्शन को लिख सकते हैं आप, रिजेक्शन लिखना क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन को जोड़ देना है केवल इसके एन अणु को और उसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके जैसा यूनिट आता है वैसे यूनिट के लिख के होल एन कर देना है। देखो कैसे टेट्राफ्लोरोइथीन नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं हो, इफ यू वांट टू बी ए मास्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी ए मास्टर ऑफ नॉमेनक्लेचर, यदि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर बनना चाहते हो तो नॉमेनक्लेचर पर मास्टरी हासिल करना पड़ेगा आपको। यहां ध्यान दो CH CF2 इसी को कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन, देखो तो CF2 इसी को कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन याद रखें। इसके हम n अणु को ले लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इसकी हम पॉलीमराइजेशन करा देते हैं। देखिए पॉलीमराइजेशन की क्रिया हाई प्रेशर पे होती है, भूल जाएं कैसे लिख देना है तो लिख देना है केवल पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन की क्रिया पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, जनरली एडिशन पॉलीमर जो हम लोग बनाते हैं वह पर ऑक्साइड की उपस्थिति में ही रिएक्शन होती है, पर ऑक्साइड या अमोनियम पर सल्फेट H2OF, अमोनियम पर सल्फेट की उपस्थिति में हाई प्रेशर पे इस रिएक्शन को कराया जाता है, मतलब पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराई जाती है। तो पूछ देगा कि टेट्राफ्लोरोइथीन कि का जो पॉलीमराइजेशन कराई जाती है वह किसके उपस्थिति में, परऑक्साइड या अमोनियम परसल्फेट, याद रखें NH4 का होल 2 H2OH की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराई जाती है। तो होता क्या है, यह बॉन्ड ब्रेक, अब यहां लिख दो CF2 या सिंगल बॉन्ड CF2, आप इसको सिंगल बॉन्ड से भी दिखा सकते हो होल N, इसी को कहेंगे टेफ्लॉन या इसी को कहेंगे पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा सकते हो ऐसे CF F
सी एफ एफ का होल एन, होल एन। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि एक कौन सा पॉलीमर होता है जो फ्लोरीन युक्त होता है, तो टेफ्लॉन होता है, इसमें फ्लोरीन पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके यूजेज से भी प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। यह केमिकली इनर्ट होता है, इस पर अम्लता बेस क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इवन एक्वा रेजिया का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह केमिकली इनर्ट होता है, याद रखना है। एवं उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हैंडल पे इसका लेप लगा देंगे, हैंडल इसका किसी चीज का बना देते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक का तार काट सके, जैसे प्लायर पे भी इसको लगाया जा सकता है, किसी भी बर्तन के हैंडल में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्यों कोई पूछे, तो उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होने के कारण। यह यूज कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। यह केमिकली इनर्ट होता है और उच्च ताप पर भी अस्थायी होता है, लगभग 598 केल्विन ताप पर भी यह स्टेबल होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किया जाता है, बर्तन के ऊपर इसके कोट को लगा दिया जाता है जिसको नॉन स्टिकी कहते हैं। कम तेल में ही अंडा फ्राई कर लोगे, कम तेल में ही किसी चीज को फ्राई कर लोगे, आप ऐड देखते होंगे टीवी में, तो नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गैस्केट्स, ऑटोमोबाइल में गैस्केट्स लगता है हेड के नीचे, हेड लाइनर पिस्टन जो होता है ना, तो वहां गैस्केट्स लगता है, तो गैस्केट्स बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। फिल्टर क्लॉथ, गाड़ी में फिल्टर लगता है तेल छानने के लिए, मोबिल छानने के लिए, उसके अंदर का जो क्लॉथ होता है वह टेफ्लॉन से बना होता है, टेफ्लॉन का प्रयोग उस क्लॉथ को बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। नॉन लुब्रिकेटेड बीयरिंग्स जो होते हैं उसको बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, और भी इसके महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बर्तन के हैंडल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत रोधी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत के कुचालक होते हैं, नोट करें। तो आइए हम लोग अंतिम एडिशन पॉलीमर बनाने की विधि को देखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीमर है जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMMA के नाम से हम लोग जानते हैं। P फॉर होगा पॉली, M फॉर होगा मिथाइल और MA का मतलब होता है मेथ एक्राइलेट। यह मिथाइल मेथ एक्राइलेट का एडिशन पॉलीमर होता है, ठीक है। मिथाइल मेथ एक्राइलेट कॉमन नेम है, यह एक प्रकार का एस्टर है, अभी इसका नाम हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीमर है, इससे एयरक्राफ्ट वायुयान के विंडो का खिड़की बनाते हैं, इसी पॉलीमर से लेंसेज बनाया जाता है, याद रखिएगा। जो हम लोग चश्मा में लगाते हैं, आंख में जो लेंस पड़ता है, इससे बनाते हैं। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है प्लास्टिक का, इसी से बनाया जाता है। प्रोटेक्टिव लेयर के निर्माण करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, PMMA को हम लोग इन सभी नामों से भी जानते हैं। इनका कमर्शियल नेम दो बहुत ही प्रमुख है, फ्लेक्सी ग्लास और परस्पेक्स। इसको कई बार पूछा गया है, इसको ल्यूसाइट के नाम से, एक क्राइलाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह दो नाम आप निश्चित रूप से दिमाग में बैठा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। CH2 double bond C CH3 C double bond OOCH3, यह एस्टर है, इसी को हम लोग मिथाइल मेथ एक्राइलेट के नाम से जानते हैं। अब इसका आयुपैक नेम कोई पूछे किस एस्टर का, बताइए, तो आपको पता है कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से गिनती करेंगे 1 2, यहां नहीं जाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे 3। यहां देख रहे हैं कि हमारा मेथाइल ओ से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताए थे कि जो ओ से जो ग्रुप जुड़ा होता है उसको पहले लिख देते हैं, तो इसका नाम होगा मेथाइल। थोड़ा सा गैप देते हैं और दो नंबर पोजीशन पे क्या है, तो लिखेंगे 2 मेथाइल 2 मेथाइल, और कार्बन की चेन, पैरेंट चेन में कार्बन हुआ 3 prop 2 enoate, इसका आयुपैक नेम हो जाएगा prop 2 enoate, और इसी को हम लोग कहते हैं मेथाइल मेथ एक्राइलेट के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे अणु को हम पॉलीमेराइज करा दें, ध्यान दीजिएगा, पॉलीमेराइजेशन करा दें, ध्यान दीजिएगा, जैसे स्ट्रक्चर बनाया है वैसे बनाइएगा। बहुत सारे लोग इसकी
पॉलीमराइजेशन कराने में गलती कर देते हैं, अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो तो यहाँ क्या बच रहा है बेटा, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ देखो अभी हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C ऊपर CH3, ये वैलेंसी वैकेंट, यहाँ क्या हो जाएगा COOCH3, जगह नहीं है, आप इसका होल होल N लिख सकते हो, इसी को PM MA के नाम से हम जानते हैं, पॉली मिथाइल मेट एक्राइलेट, याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीमर है, याद रखिएगा ये हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी ऑप्टिकल क्लैरिटी जो होता है ग्लास से अच्छा होता है, ठीक है, इसकी दृश्यता ग्लास से बेहतर होता है, इसका प्रयोग लेंस के निर्माण में हम लोग करते हैं, एयरक्राफ्ट विंडो बनाने में, जहाज की खिड़कियां बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक्स ज्वेलरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे नोट करें, हम कुछ संघनन बहुलक बनाने की विधियों पर चर्चा करेंगे, उसमें मुख्य रूप से आज पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड कैटेगरी के जो पॉलीमर होते हैं उसको कवर करेंगे, उसमें टेरिलीन को देखते हैं, ग्लिप्टल को देखते हैं और नाइलॉन्स को देखेंगे। नोट करें, तो चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संघनन बहुलक को देख लें। तो उसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलीएस्टर श्रेणी के कुछ बहुलक, तो इसको हम लोग ए नंबर में बांट देते हैं, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर श्रेणी के बहुलक क्या होंगे, ध्यान दीजिए, कई बार दे देता है चार ऑप्शन, पूछता है कि इनमें से कौन पॉलीएस्टर है, तो सबसे पहला बात कि ये संघनन बहुलक है, मतलब कि यह विभिन्न प्रकार के मोनोमर्स के संयोग से बनेगा और इससे छोटे छोटे अणुओं का विलोपन होगा। तो पॉलीएस्टर्स का तात्पर्य क्या है कि ऐसे पॉलीमर में एस्टर लिंकेज होगा। एस्टर लिंकेज का मतलब होगा कि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ पाया जाएगा, मतलब कि मोनोमर मोनोमेरिक यूनिट को ये जोड़ेगा। इधर मान लिए कि ए हो गया, इधर सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे बी हो जाए, तो कहेंगे कि ऐसे पॉलीमर में एस्टर लिंकेज है, एस्टर लिंकेज ए और बी को जोड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं कि यह पॉलीएस्टर है, ठीक है। तो जिस पॉलीमर में एस्टर लिंकेज पाया जाए तो उसको हम लोग पॉलीएस्टर कहेंगे, क्लियर है। मान लिया कि मैं तुम इस एस्टर लिंकेज से जुड़ जाएंगे तो कहिएगा कि सर हम लोग दोनों आदमी पॉलीएस्टर श्रेणी के बहुलक हैं। पहली बात की इसमें एस्टर लिंकेज पाया जाएगा और इसकी पहचान है कि सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई देगा, ओ से भी कुछ मोनोमर्स जुड़े होंगे और कार्बन वाले पार्ट से भी कुछ मोनोमर्स जुड़े होंगे। दूसरी पहचान, ऐसे पॉलीमर जो पॉलीएस्टर श्रेणी में आते हैं, यह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, निश्चित रूप से यह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बने होंगे और यह ग्लाइकॉल से बने होंगे या डाईऑल से, यूं कहें कि डाईऑल से बने होंगे, डाईऑल से। ग्लाइकॉल किसको कहते हैं आप जानते हैं कि वैसा अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप दिखाई देते हैं, मतलब यह ग्लाइकॉल से या डाईऑल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यह दो ऐसे मोनोमर्स हैं कि जुड़ेंगे तो पॉलीएस्टर श्रेणी के बहुलक का निर्माण होगा और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो उसमें निश्चित रूप से एस्टर लिंकेज पाया जाएगा। तो पॉलीएस्टर की पहचान है कि उसमें एस्टर लिंकेज पाया जाएगा और ऐसे पॉलीमर निश्चित रूप से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लाइकॉल से ही मिलकर बनेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहला देखते हैं जिसका नाम है टेरिलीन, टेरिलीन कहते हैं, इसी को हम लोग डेकरॉन के नाम से जानते हैं। कई बार यह पूछा गया है कि इसका ब्रिटिश नाम बताओ, इसका ब्रिटिश नेम क्या है, डेकरॉन, कई बार पूछा गया है ब्रिटिश नेम डेकरॉन बता होता है। इसके पतली फिल्म को, इसके पतली परत को माइलर कहते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग माइलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। थिन फिल्म ऑफ टेरिलीन इज कॉल्ड माइलर, इसके थिन फिल्म को क्या कहते हैं, याद रखें, टेरिलीन की पतली फिल्म की लेयर चढ़ा जाए तो उसको माइलर कहते हैं, इसलिए इसे माइलर के नाम से, डेकरॉन के नाम से और नाम भी जानते हैं और इसको टेरिलीन कहते हैं। याद रखिएगा यह एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इससे ड्रेस मटेरियल तैयार कर लेते हैं, सीट का बेल्ट बनाया जाता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप। अब पहले जमाने में देखो डीवीडी वाला सीडी वाला कैसेट होगा, देखता था ना रे तुम, इसमें काला रंग का वो निकलता था ना पन्निया, बड़ा मजबूत साइकिल में लोग लगा देता था, वही है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, बहुत मजबूत होता है। इसका और भी प्रयोग है, टायर के क्रोड बनाने में भी इसका समटाइम्स प्रयोग किया जाता है। इससे देखो धागा कपड़ा सीने वाला है ना, देखना उस पर लिखा टेरिलीन, टेरिलीन का
का धागा, तो कपड़ा हम लोग जो सिलाई मशीन में डाल के सीते हैं वो टेरिलिन का धागा होता है, जल्दी टूटता उठता नहीं है। तो ड्रेस मटेरियल धागा बना लेते हैं, इससे सीट बेल्ट, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप आदि बनाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव याद रखना कि डेकोरॉन इसका ब्रिटिश नाम है, या एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, या एक संघनन बहुलक है, और इसमें एस्टर लिंकेज पाया जाता है, इसलिए यह पॉलिएस्टर श्रेणी में इसको रखते हैं, और यह निश्चित रूप से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लाइकोल से मिलकर बना होता है। तो यह किसका बहुलक होता है तो याद रखना, या इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम लोग इथेन 1.2 डाइओइक एसिड कहते हैं, ध्यान दो, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको हम ऐसे लिखते हैं CH2, यहां लिख देते हैं OH, और यहां लिख देते हैं बेटा OH, इसी को कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और यह टर्थैलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, टर्थैलिक एसिड आपको पता है क्या होता है, यही है हमारा टर्थैलिक एसिड। यहां देखो तो सी डबल बॉन्ड OH, और यहां देते हैं हम सी डबल बॉन्ड OH, ध्यान दीजिएगा OH बना देते हैं, और इसी को कहते हैं टर्थैलिक एसिड, या इसी का आयु पैक नेम आपको पता है क्या है, बेंजीन 1.4 डाइओइक एसिड, 1.4 डाइओइक एसिड। और देखो यह होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का आयु पैक नेम इथेन 1.2 डायोल, देखो तो 1, 2, 1 पे OH ग्रुप, 2 पर। अब देखो इसके बहुत सारे अणु, और इसके बहुत सारे अणु पॉलीमेराइज होते हैं, पॉलीमेराइज होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 420 से लेके 460 केल्विन तापमान होता है जिंक एसीटेट का प्लस एंटीमनी ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक होता है, Sb2O3 उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब इसको पॉलीमराइज करते हैं, तुम भूल जाओ कि क्या होगा, डायरेक्ट इतना कि पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराई जाती है। तो देखो होता क्या है, अब इससे छोटे छोटे अणुओं का विलोपन होगा, कैसे विलोपित हम अणुओं को करेंगे, यहां ध्यान दो, इसके ओ पार्ट को निकाल देना, सॉरी एच पार्ट को और इसके OH पार्ट को निकाल देना। देखो अब ध्यान देना, यहां इसके ओ पार्ट और इसके एच पार्ट को निकाल देना, ध्यान से निकला, तो कितने जल के अणु निकल रहे हैं, आप डायरेक्ट NH2O लिख देना, ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे बच गया उसको अब जोड़ दो। देखो यहां जोड़ रहे हैं हम, यहां देखो तो यहां ओ बच गया, यहां नीचे जोड़ रहे हैं, जगह नहीं है, ध्यान दो, यहां जोड़ रहे हैं ओ, यहां CH2 का मैं होल्ड टू कर दूं, किसी को एतराज है, और फिर देखो क्या बचा, ओ बचा, फिर हमारा यहाँ C डबल बॉन्ड O बचा, और यहाँ बेंजीन रिंग बचा, तो बेंजीन रिंग मैं बना देता हूँ यहाँ, और देखो यहाँ क्या बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, यहाँ C डबल बॉन्ड O कर दूं और इसका होल एन कर दूं, तो यही होता है टेरिलिन, क्या बेटा हुआ, टेरिलिन बचा। देख रहे हो कि इससे छोटे छोटे अणुओं का विलोपन हो रहा है, तो इसको हम लोग संघनन बहुलक कहेंगे। दूसरी चीज बताए थे संघनन बहुलक पढ़ाते समय कि ऐसे पॉलीमर के निर्माण करने वाले मोनोमर्स में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, देखो इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप, निश्चित रूप से दो फंक्शनल ग्रुप होगा, दो से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन जनरली दो होंगे। इसके निर्माण में छोटे छोटे अणुओं का विलोपन होगा, जल के अणु निकल रहे हैं और ये बन गया टेरिलिन। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग ड्रेस मटेरियल्स के रूप में हम लोग करते हैं, यह एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, सीट बेल्ट बनाने में करते हैं, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। कैसे सटा है फिर से समझना, कि ग्लाइकोल के एक पोर्शन से, एक टर्मिनल से H को हटाना है और एक टर्मिनल से OH को, ठीक है, टर्थैलिक एसिड के एक टर्मिनल से H को हटाना, तो दूसरे टर्मिनल से OH को, जैसे घेरे हैं वैसे ही घेरना है आपको। तो यह हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हुआ। इसको हम लोग क्यों रखते हैं पॉलीएस्टर के श्रेणी में, तो देख लो इसमें एस्टर लिंकेज आ रहा है कि नहीं, एस्टर लिंकेज आ रहा है कि नहीं, मैं घेर रहा हूं इसको डॉटेड लाइन से, इसलिए इसको हम लोग किसके श्रेणी में रखते हैं बेटा, पॉलीएस्टर के श्रेणी में, मतलब कि यह एक पॉलीएस्टर श्रेणी का बहुलक है। नोट करें, एक और बता रहे हैं ग्लिप्टन, या एक इसी को अल्काइड रेजिन के भी नाम से जानते हैं। आइए हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण पॉलिएस्टर श्रेणी के बहुलक को देखते हैं, जिसको ग्लिप्टल के नाम से जानते हैं, इसे अल्काइड रेजिन भी कहा जाता है। पहला बात, यह भी एक प्रकार का
पॉलीएस्टर श्रेणी का बहुलक होगा, क्योंकि इसमें भी एस्टर लिंकेज पाया जाएगा। अब एस्टर लिंकेज पाया जाएगा, दूसरी चीज की जब यह पॉलिएस्टर श्रेणी का हो गया तो यह भी जरूर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइओल से बनेगा। तो यह किसका बहुलक होता है याद रखिएगा कि यह देखो ध्यान से देखना, यहां से यह भी हमारा इथाइलीन ग्लाइकॉल, इसी को हम लोग इथाइलीन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं, इसका कॉमन नेम है। इसके एन अणु ले लेते हैं और यह थाइलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा यह थाइलिक एसिड सी डबल बॉन्ड OH, और इसको यहां लिख देते हैं सी डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं थाइलिक एसिड, या इसी को कहते हैं बेंजीन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके भी हम एन अणु ले लेते हैं, इसको पॉलीमेराइज करा देते हैं। क्या कराते हैं बेटा? पॉलीमेराइजेशन, इसका पॉलीमेराइजेशन हम करा देते हैं। देखो क्या बताए हैं कि ग्लाइकॉल के एक टर्मिनल से इसके एच को निकालना है, इसके एच को निकालना है, इसके एच को निकाल दो। थाइलिक एसिड के एक टर्म इसके ओएच पार्ट को निकाल दो, इसके ओएच को निकाल दो और इसके एच को निकाल दो। तो भाई देखो तो यहां छोटे छोटे अणुओं का विलोपन हो गया, जल बाहर निकल रहे हैं, और देखो जैसे बचा वैसे जोड़ दो। देखो यहां क्या बचा, O बचा, यहां CH2 का होल 2 कर देते हैं शॉर्ट करने के लिए। देखो तो CH2 दो बार है तो CH2 का होल 2 कर दिया है, कोई सी का इतराज है बोलो। अब देखो क्या बचा, यहां O बचा, तो यहां देखो क्या बचा छोटू, O बचा, और देखो यहां बचा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहीं से हम लोग बेंजीन रिंग बना देते हैं और यहाँ क्या बचा, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से भी OH हमारा निकल चुका है। देखो तो इसका होल एन कर दो, यह दिखाई देना चाहिए। देखो तो इसमें भी एस्टर लिंकेज दिखाई दे रहा है कि नहीं, एस्टर लिंकेज दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको ऐसे डॉट नहीं करना है, हम समझा रहे हैं। इसी को कहते हैं हम लोग GLYPTL, ग्लिटर कहते हैं। याद रखिए आप CH2 को बड़ा भी करके लिख सकते हो, पुनः समझ लो दिक्कत है तो कैसे किए हैं। देखो कैसे किए हैं, इसके O पार्ट को हम निकाल के एच को हटा दिए हैं, तो यहाँ क्या बच गया, देखो O बच गया, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH2 है, तुमको लगे कि हम बार बार जैसे है वैसे ही लिखूंगा, लिख दो। फिर क्या है, O है, O किससे अब जुड़ेगा, यह O किससे जुड़ेगा, देखो तो यहां से C डबल बॉन्ड O से, और इससे क्या जुड़ा है, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग बना दो, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा सर्किल बड़ा बनाना। अब फिर क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O हाइफन का होल N, लिख दो। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, GLYPTL ग्लिटर कहते हैं। इसके प्रयोग से प्रश्न पूछे गए, इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, पेंट्स बनाने में, लेटर्स बनाने में, इसका भी प्रयोग लकड़ी पे पॉलिश आदि करने के लिए प्रयोग किया, ये भी एक प्रकार का पेंट ही है मान के चलिए। बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे एस्बेस्टस सीमेंट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, तो पेंट और लेटर्स बनाने में ग्लिप्टल का प्रयोग किया जाता है। कोई पूछे कि यह किसका बहुलक होता है, तो इथाइलीन ग्लाइकॉल और थाइलिक एसिड का संघनन बहुलक होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसके स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, इसको पॉलीएस्टर श्रेणी में क्यों रखते हैं, तो देख रहे हैं कि इसमें एस्टर लिंकेज है कि नहीं, देखो तो सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, इसी से या दोनों मोनोमेरिक यूनिट जुड़े हैं कि नहीं, इसलिए इसको हम लोग पॉलीएस्टर के श्रेणी में रखते हैं। और दूसरी चीज कि यह देख रहे हैं कि यह डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम लोग पॉलीएस्टर श्रेणी में रखते हैं, अर्थात यह भी एक प्रकार का पॉलीएस्टर है, ठीक है। टेरिलीन भी एक प्रकार का पॉलीएस्टर है, बात आप समझ चुके होंगे, इसे नोट करें, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और बातों को कवर करेंगे, नाइलॉन्स को देखेंगे, बैकेलाइट को देखेंगे, मेलामाइन को कैसे बनाया जाता है देखेंगे, उसके बाद हम लोग रबड़ पर चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नोट करें, कुछ और प्रश्न बता रहे हैं। इन प्रश्नों का भी उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ठीक है, अभी जस्ट आपको पढ़ाए भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, ठीक है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसमें से कौन है आपको चुनना है, देखिए बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड के मिश्रण को क्या कहते हैं, आपको यह भी बताया गया होगा
कि इसको हम लोग लिथोपोन के नाम से जानते हैं या व्हाइट पिगमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है व्हाइट पेंट बनाने में। ठीक है, कॉन्क एससीएल और जेनन सीएल टू अनादर जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को आपको बताया गया होगा कि इसको लुकस रिएजेंट के नाम से जानते हैं, लुकस रिएजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। और 1% अल्कलाइन के MnO4 को आपको बताएंगे इसको बेयर्स अभिकर्मक या बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। यह बेयर्स रिएजेंट है, यह लिथोपोन है, यह लुकस रिएजेंट है, तो हमारा ऑप्शन तो यही सही होगा। जस्ट अभी पढ़ाया हूं कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट का होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्युमिनियम का यह मिश्रण होता है। यह पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कैटलिस्ट है, इसका उपयोग कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। टेरिलीन किसका बहुलक है, 4 ऑप्शन दिया है, इथाइलीन ग्लाइकोल और टर्थाइलिक एसिड, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, टर्थाइलिक एसिड इसको कहते हैं, ट्रीथाइलिक एसिड भी कुछ लोग पढ़ते हैं टर्थाइलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस दिया है थाइलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस फिनॉल इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन संघनन बहुलक है आपको चुन लेना है और HDP और LDP में अंतर आपको लिख के लाना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइलॉन्स कैटेगरी के बहुलक को देखेंगे और उसी के अंतर्गत हम लोग कई वैरायटी की नाइलॉन को देखेंगे, उनका यूजेज पढ़ेंगे और हम लोग बैकेलाइट मेलामाइन बनाने की विधि पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।